हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 7.2, वहीं हम कंटिन्यू करते हैं एंड एक्सरसाइज करेंगे 7.2। एग्जांपल फिफ्थ इज इफ बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -3, दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है एंड इसका एक रूट हमें यहाँ पे गिवन है। व्हाट आर द अदर रूट्स, इसके दूसरे रूट बताइए। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, एक रूट हमें दे रखा है, 2 रूट हमें बताने हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी एंड सी कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए, गिवन इक्वेशन इज दिस एंड 1 रूट 2 माइनस -√3, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3 आयोटा, -1 का अंडर रूट आयोटा होता है। ओके, एक रूट हमें गिवन है एंड रूट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन अकर इन कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर में आते हैं, देन therefore other roots, जिसका सेकेंड रूट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे 2 प्लस √3 आयोटा। ओके, कंजुगेट जो होता है वो आयोटा का साइन चेंज कर देता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। दो रूट हमें मिल जाते हैं, थर्ड रूट लेट अल्फा बी थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा हम थर्ड रूट ले लेते हैं, देन सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये सम ऑफ रूट होता है मेरा। सम ऑफ रूट यानी कि दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, हमारे पास तीनों रूट मिल गए हैं। एक हमें गिवन था क्योंकि कंजुगेट है इसका 2 प्लस √3 आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट सेकंड रूट हो गया और थर्ड हमने अल्फा ले लिया है। देन सम ऑफ रूट यहाँ पे लिखते हैं हम 2 माइनस √3 आया था, पहला रूट प्लस 2 प्लस √3 आया था, दूसरा रूट प्लस अल्फा, तीसरा रूट। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड एक्स क्यूब इज ऑल्सो 1, -1, देन ये इक्वल आ जाएगा -1 के। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्व करते हैं क्योंकि एडिशन है, यहाँ पे ब्रैकेट हम सिंपल यहाँ से हटा सकते हैं, देन दिस इज कैंसिल आउट, 2 एंड 2 इज अ 4 और अल्फा इक्वल टू -1 -4 -5, तो थर्ड रूट हमारा हो गया -5। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ सी, सी कांस्टेंट की वैल्यू। अब सी का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आपके पास 3 रूट गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा प्लस एंड इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो हम कैसे करते हैं, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b बाई ए, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड, क्योंकि 3 रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स गामा अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए ये लिया था हमने माइनस, नेक्स्ट आएगी प्लस की टर्म, देन प्लस सी बाय ए कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट, पहला माइनस, सेकंड जो हमने निकाला फॉर्मूला प्लस, आपकी बार हमारी नेगेटिव की टर्म है, देन कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए यानी कि कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो यहाँ क्यूबिक इक्वेशन में चलिए, कांस्टेंट टर्म इज सी, सी बाय
कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस अप्लाई हो जाएगा बिकॉज थ्री रूट है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज वन. प्रोडक्ट कर दीजिए इनकी, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हीं रूट्स की, देन टू माइनस रूट थ्री आएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है यहाँ पे, टू प्लस रूट थ्री आएगा प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव रख देंगे तो मल्टीप्लाई हमने प्रोडक्ट ले लिया तीनों रूट्स का एंड इक्वल टू माइनस सी. यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी. सॉल्व कैसे करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ से. आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज फोर माइनस रूट थ्री आइटा का स्क्वायर करते हो तो रूट थ्री का हो गया थ्री एंड आइटा स्क्वायर इज माइनस वन तो प्लस का हो जाएगा यहाँ से. ओके एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस कंप्लीट ये आ जाएगा सेवन माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई 35. एग्जाम्पल सिक्स इज शो दैट द इक्वेशन ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच इक्वल टू के. ये हमें इक्वेशन गिवन है, कहता हैज़ ऑल रियल रूट्स, इसके जितने भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ये आपको शो करना है. हम इसको कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे. लेट roots of this equation are imaginary. हम इसके रूट्स जो है imaginary ले लिए हैं. एक रूट ले लेते हैं हम अल्फा प्लस आइटा बीटा, क्योंकि imaginary लिया है तो अल्फा प्लस आइटा बीटा फॉर्म में होगा, इज वन रूट ऑफ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट. अगर हमारा इमेजिनरी रूट है दैट मीन कंजुगेट पेयर अकर करेगा, देन अदर रूट क्या आ जाएगा, अदर रूट इक्वल टू इसी का कंजुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा. ओके बिकॉज अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर वी कैन राइट, इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए ए स्क्वायर डिवाइड बाय सेटिस्फाई का मतलब अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो हम एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी जो हमारा रूट है पुट करेंगे तो इक्वल टू के आएगा हमारा. ओके एक्स की प्लेस से पुट कीजिए, अल्फा प्लस आयटा बीटा माइनस ए, ओके प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स के प्लेस से पुट करेंगे अल्फा प्लस आयटा बीटा माइनस बी प्लस अप टू सॉन एच स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयटा बीटा माइनस एच इक्वल टू के. सेकेंड इक्वेशन दूसरा रूट हमारा ये है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन इसको भी हम एक्स प्लेस से पुट कर लेते हैं अल्फा माइनस आयटा बीटा माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयटा बीटा माइनस बी प्लस अप टू सॉन एच स्क्वायर अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस एच इक्वल टू के. ये इक्वेशन कैसे आई है, क्योंकि जो दोनों रूट हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है नाउ जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड माइनस थ्री कर थर्ड करेंगे, देन क्योंकि इस टर्म में लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वन डिवाइड बाय अल्फा. अब यहाँ पे देखिए आप जो रियल क्वांटिटी उसको इकट्ठा कर लीजिए, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा. ठीक है नेक्स्ट माइनस, ये माइनस कर रहे थर्ड अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा. ठीक है इसमें से ये माइनस किया, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. ओके देन यहाँ से आ जाएगा इसका कोफिशिएंट माइनस इसका कोफिशिएंट प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस करेंगे देन वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बी, रियल क्वांटिटी हमने इकट्ठा कर लिया अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा एंड माइनस ऑफ इसका ये कोफिशिएंट माइनस कीजिए, बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया
अल्फा माइनस बी एंड ये यहाँ पे है माइनस आयोटा बीटा प्लस अप टू सॉन एच स्क्वायर की टर्म। एच स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से इसका कोफिशेंट माइनस इसका कोफिशेंट, वन प्लस अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा एंड माइनस अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा और इक्वल टू के माइनस के इज ज़ीरो। राइट हैंड साइड पे हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम एक जो फैक्टर वो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा एंड एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। ये एलसीएम लिया हमने, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा एंड माइनस ये फैक्टर इससे कैंसिल, यहाँ पे आप ये वाला फैक्टर आएगा तो अल्फा माइनस ए एंड ये माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो अल्फा माइनस ए से कंप्लीट फैक्टर कैंसिल, माइनस का है और माइनस आयोटा बीटा इज माइनस टू आयोटा बीटा। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये रफ कर देते हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेशन के बाद आ रहा है ये आ जाएगा माइनस टू आयोटा बीटा एंड यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दीजिए अल्फा माइनस ए स्क्वायर, अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा स्क्वायर। ओके, तो आयोटा बीटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। तो इसको रफ करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ ये बनेगा बी स्क्वायर इंटू माइनस टू आयोटा बीटा डिवाइड बाय, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी एंड आयोटा स्क्वायर फिर से प्लस बना देगा माइनस को तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आया था बीटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज प्लस अप टू सॉन, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू माइनस टू आयोटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ टू आयोटा बीटा सब में कॉमन आ रहा है, माइनस टू आयोटा बीटा माइनस टू आयोटा बीटा सब सारे फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं माइनस टू आयोटा बीटा ए स्क्वायर डिवाइड बाय, ए स्क्वायर यहाँ अंदर लेके जाएंगे डिवाइड चल रहा है, अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अप टू सॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे क्वांटिटी एच स्क्वायर अंदर जाएगी, टू आयोटा बीटा हमने कॉमन ले लिया, देन अल्फा माइनस एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दो नंबर की मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकेंड टर्म इज दिस, या तो ये जीरो या कम्प्लीट टर्म दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स स्क्वायर क्वांटिटी की है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए इसकी जो वैल्यू आएगी इस टर्म की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, बिकॉज ऑल टर्म ऑफ ऑल जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं इन दिस टर्म आर स्क्वायर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे आएगा क्या, इम्प्लाइज दैट ये तो जीरो हो नहीं सकता, देन टू आयोटा बीटा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमें क्या मिला, हमने रूट लिया था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये रूट हम लेके चले थे, हमने लेट जो अज्यूम किया था कि इसका जो रूट होंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि अगर हम इमेजिनरी रूट लेके चलते हैं तो बीटा हमारा ज़ीरो आ जाता है, देन रूट हमारे पास क्या बना, अल्फा प्लस ज़ीरो इज अल्फा, दिस इज़ द रियल क्वान्टिटी, ये हमारी रियल क्वान्टिटी है। ओके, एंड रूट हमने लिया था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इट मीन्स अल्फा इज जीरो, देन अल्फा रिमेनिंग फैक्टर एंड अल्फा इज द रियल क्वांटिटी, देयरफॉर ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर
रियल बिकॉज यहाँ पे हमारा अल्फा अल्फा दिस इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स हैं वन अल्फा बीटा गामा अप टू सॉन, शो दैट वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा इक्वल टू एन, इनकी मल्टीप्लाई इक्वल टू एन आएगी। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन इज एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड वन अल्फा बीटा गामा अप टू सॉन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हम इक्वेशन के रूट्स की माने। अगर हमारे पास रूट्स है इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा अप टू सॉन, क्योंकि हमारा चलता ही जा रहा है डॉट डॉट लगा रखा है, देन अगर हम ये फैक्टर लेते हैं दीज आर फैक्टर्स, यहाँ पे कॉमा लगाइए सबके बीच में कॉमास, दीज आर द फैक्टर ऑफ इक्वेशन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमें रूट गिवन है इसलिए एक्स में से माइनस करेंगे अगर सबको तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर का मतलब अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारी इक्वेशन आ जानी चाहिए। ओके देन अगर एक्स माइनस वन देयरफॉर एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा अप टू सॉन, अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इक्वेशन आएगी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस वन, दोनों साइड एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए, देन राइट हैंड साइड में इधर लिख रही हूँ एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा अप टू सॉन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इनकी जो डिवीज़न करते हो यहाँ पे डिवाइड करेंगे देन सबसे पहले जो डिवीजन जाएगी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन पे एन माइनस वन देन एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन कम होते होते हमारे पास कहाँ तक जाएगा जीरो तक चला जाएगा टू एक्स फिर एक्स रेज टू पावर जीरो इज़ वन एंड इक्वल टू टर्म चल रही है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इन टू एक्स माइनस गामा अप टू सॉन। हमें चाहिए वन माइनस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वन माइनस बीटा वन माइनस गामा पुट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे देन यहाँ पे रखिए वन रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस वन रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, ओके इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा अप टू सॉन। यहाँ पे देखेंगे वन माइनस रेज टू वन की पावर जो वो एन माइनस वन है एंड वन रेज टू पावर एन माइनस वन वन ही होता है, टोटल फैक्टर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे वन की पावर वन एंड यहाँ पे अगर हम जीरो लिख देंगे तो भी वन ही रहेगा, देन जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एन माइनस वन फैक्टर तक जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ वन से लेकर एन माइनस वन फैक्टर एंड एक टर्म और है हमारे पास देन एन फैक्टर, तो वन रेज टू यहाँ पे वन प्लस वन अप टू सॉन ये कितना हो जाएगा अप टू सॉन वन, ये हो जाएगा हमारे पास एन टाइम्स। ओके और एन टाइम जब हम वन की एडिशन करते हैं देन हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं यहाँ पे एन, समझ गए, वन को हम ऐड कर रहे हैं एन टाइम और इसको हम लिख सकते हैं एन एंड राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा अप टू सॉन, और यही आपको प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू एन आना चाहिए। कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिव पॉलिनॉमियल इक्वेशन ओवर रैशनल ऑफ डिग्री 4 व्हिच रूट्स आर रूट थ्री एंड वन प्लस टू आयोटा, देर आर टू रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल
विच इज रूट थ्री एंड वन प्लस टू आयोटा. देखिए रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर एंड वन प्लस टू आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. और हमने पढ़ा था कि अगर इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रूट्स हैं किसी इक्वेशन के देन इट अकर इन द कंजुगेट पेयर. देयरफॉर अदर टू रूट्स क्या आएंगे, इसका कंजुगेट हो जाएगा माइनस रूट थ्री एंड इसका कंजुगेट हो जाएगा वन माइनस टू आयोटा. अब हमें चार रूट मिल गए और चार डिग्री की ही इक्वेशन हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है. देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री फर्स्ट रूट एक्स में से माइनस करेंगे देन एक्स माइनस वन प्लस टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस करेंगे माइनस माइनस रूट थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन माइनस टू आयोटा इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अगर आपके पास रूट्स गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास दो रूट गिवन है और आपको इक्वेशन बनानी है, तो हम कैसे करते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, हमें पॉलिनोमियल बनानी है तो हम इक्वल टू ज़ीरो नहीं लेंगे, ये इक्वेशन बनाने के लिए होता है. ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इसको. एक्स माइनस रूट थ्री एंड थर्ड फैक्टर को उठा लीजिए एक्स माइनस एंड माइनस प्लस रूट थ्री. नेक्स्ट इज एक्स माइनस वन, इसको ओपन करेंगे, रियल क्वांटिटी आप इकट्ठा कर लीजिए. पूरे ही चैप्टर में इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो रियल क्वांटिटी एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी सॉरी जो इमेजिनरी क्वांटिटी को अलग अलग करते हैं. माइनस टू आयोटा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड लास्ट फैक्टर इज एक्स माइनस वन, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस टू आयोटा. ये इसलिए करते हैं ताकि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज अ थ्री एंड दिस बिकम्स एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस टू आयोटा स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. एक्स माइनस वन स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स एंड टू स्क्वायर इज अ फोर आयोटा स्क्वायर इज अ माइनस वन प्लस हो जाएगा. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फोर एंड वन इज अ फाइव. अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, पहले एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म से कर लीजिए, फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर. माइनस थ्री से करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स एक्स एंड माइनस माइनस प्लस इज माइनस फिफ्टीन इम्प्लाइज दैट एक्स रेज टू पावर फोर क्यूब की भी एक ही टर्म है, सेकेंड टर्म वाली एड कर लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन. दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ रूट्स ऑफ फोर डिग्री हैव दिस रूट्स. क्वेश्चन ऑफ लोवेस्ट डिग्री विद रियल कोफिशियंट विच हैज वन प्लस टू आयोटा थ्री माइनस आयोटा एज टू ऑफ इट्स रूट. देन टू रूट हमें गिवन है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी. यहाँ पे इरेशनल और कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, वन प्लस टू आयोटा एंड थ्री माइनस आयोटा. अदर टू रूट कौन से हो जाएंगे, टू रूट्स जो इसके कंजुगेट आएंगे वन माइनस टू आयोटा एंड थ्री प्लस आयोटा. ओके, इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स माइनस फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सेकेंड रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थर्ड रूट एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फोर्थ रूट एंड इक्वल टू ज़ीरो. सॉल्व ऐसे ही करना है, एक्स माइनस रियल क्वांटिटी एंड इमेजिनरी क्वांटिटी, इसके साथ हम ये फैक्टर लेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड टू आयोटा.
देन सेकेंड टर्म सॉल्व करते हैं, x माइनस थ्री माइनस माइनस इज प्लस आयोटा, एंड फोर्थ टर्म इज x माइनस थ्री माइनस आयोटा इक्वल टू ज़ीरो. वैसे ही सॉल्व करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस थ्री स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, देन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी क्वेश्चन आ जाएगी. क्वेश्चन थर्ड इज फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट विच शैल हैव फॉर रूट द इरैशनल एक्सप्रेशन दिस. यानी कि इसका एक रूट दे रखा है, रूट पी प्लस रूट क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज द इरैशनल क्वांटिटी. ठीक है, हमें ये एक रूट गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, जितने भी डिग्री की लोवेस्ट डिग्री की हम बना सकते हैं. लेट एक रूट गिवन है, हम ले लेते हैं x इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड. x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करना है हमें, p प्लस क्यू प्लस टू रूट पी क्यू. ओके, नाउ जो इरेशनल क्वांटिटी उसको एक साइड रखी, रैशनल एक साइड ले आइए, माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू टू अंडर रूट पी क्यू. दोबारा से स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू पी क्यू. इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स फोर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस फर्स्ट टू टर्म्स के मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस प्लस इज माइनस टू एक्स स्क्वायर पी, देन इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज अ प्लस टू पी क्यू, देन फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू फोर पी क्यू. पी क्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, प्लस टू पी क्यू यहाँ पे है, एक्स फोर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए इसको आप इधर ले आइए तो माइनस टू पी क्यू हो जाएगा, एंड टू एक्स स्क्वायर ये वाला टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का ले लीजिए कॉमन, माइनस एंड माइनस यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू इन दोनों टर्म्स से इक्वल टू ज़ीरो. इसको आप लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर फोर. वैसे तो यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, बट अगर जो आंसर मतलब प्रूव करना आ जाता है तो आप इसका स्क्वायर बना सकते हैं, पी माइनस क्यू स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, माइनस टू एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन. सेकेंड जो इसका मेथड है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे कर सकते हो. अगर रूट पी प्लस रूट क्यू एक रूट गिवन है एंड इज द इरेशनल नंबर, देन इसके जो बाकी के जो रूट होंगे वो कंजुगेट पेयर में अकर करेंगे. कंजुगेट पेयर कैसे लेके चलेंगे, इसका ये फर्स्ट रूट सेकेंड रूट क्या आएगा, रूट पी एक नंबर माइनस का लेंगे रूट क्यू, थर्ड रूट इज माइनस रूट पी प्लस रूट क्यू, एंड फोर्थ रूट इज माइनस रूट पी माइनस रूट क्यू. तो इस तरह से हम चार रूट निकाल सकते हैं. और जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, x माइनस दिस मल्टीप्लाई x माइनस दिस मल्टीप्लाई x माइनस दिस एंड मल्टीप्लाई x माइनस दिस इक्वल टू जीरो, वैसे भी आप यहाँ पे बना सकते हैं. क्वेश्चन फोर्थ इज फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद द रैशनल कोफिशिएंट वन ऑफ इट्स रूट. ये हमें एक रूट दे रखा है, x इक्वल टू रूट टू, और इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री आयोटा, माइनस है अंडर रूट में आयोटा. नाउ क्योंकि ये इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा स्क्वायर करेंगे, ओपन करो, टू प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इज अ सिक्स आयोटा, इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आयोटा स्क्वायर इज अ माइनस प्लस टू रूट सिक्स आयोटा, दिस इज़ अ माइनस वन, एंड माइनस वन को आप इधर ले आइए प्लस वन, ये रह जाएगा आपके पास. फिर दोबारा से हमें जो आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल नंबर अगर यहाँ से रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू टू रूट सिक्स आयोटा का स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन टू एक्स स्क्वायर फोर इंटू सिक्स
इंटू आइटा स्क्वायर. दिस इज 24 आइटा स्क्वायर इज माइनस वन, देन एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 24 इधर आगे हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0. एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0. ये आ जाएगी क्वेश्चन अगर एक रूट हमें यहाँ से गिवन है. फिफ्थ इज सॉल्व द इक्वेशन एक्स इज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 गिवन दैट वन रूट इज दिस. इसको आपको सॉल्व करना है, दैट मीन्स आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं एक्स की वैल्यूज़, क्योंकि चार डिग्री की क्वेश्चन है तो इसकी एक्स की चार वैल्यू आएंगी, मीन्स चार रूट आएंगे. एक रूट हमें गिवन है एक्स इक्वल टू माइनस वन, सॉरी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, और ये हमारा क्या होता है आयोटा, यानी कि एक्स इक्वल टू आयोटा हमें गिवन है और हमें इसके सोल्यूशन करना है, मीन्स आपको यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालनी है. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयटा स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो. बिकॉज इट इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयर फॉर दिस फैक्टर इज टोटली डिवाइड दिस इक्वेशन. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से अगर मैं जो गिवन इक्वेशन है इसको डिवाइड करती हूँ, देन इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये जो इक्वेशन निकाली है ये हमने इसके रूट से ही फाइंड आउट की है. ओके तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, डिविजन आप खुद कर लेना, देन में इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा क्वेश्चन आएगा, मीन्स आंसर आएगा. ओके दिस इज अगर इसको मैं डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि जो आप डिवाइड करते हैं उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन. ओके इसको सॉल्व करना है अभी आपको, फैक्टर बन नहीं रहे, सिंपल निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 420 डिवाइड बाई 2a implies that x equal to minus 4 plus minus under root of minus 4 divided by 2, then this is equal to minus 4 plus minus 2 iota divided by 2. 2 common nikal ke cancel kar dena, minus 2 plus minus 2 iota. अब हमें solve के लिए बोला गया था एक root हमें given है, means total root कौन कौन से बन गए इसके, x equal to first root is iota क्योंकि कम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा माइनस आयोटा, और दो रूट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट इज माइनस टू प्लस टू आयोटा एंड लास्ट इज माइनस टू आयोटा. एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो चार रूट मिल गए, फोर डिग्री की क्वेश्चन थी. ठीक है सेम टू सेम सिक्स क्वेश्चन है, सॉल्व द बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक होती है जो चार डिग्री की इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक. ये इक्वेशन गिवन है फोर डिग्री की विच हैज़ वन रूट, यहाँ पे भी आपको एक रूट गिवन है, देन एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री. सॉल्व कैसे करते हैं, आप इरेशनल टर्म को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर रखते हैं इरेशनल. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. दिस इक्वेशन एग्जैक्टली डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जैक्टली डिवाइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट. नाउ वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है. यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 15 एंड डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से. ओके जो भी आंसर आएगा क्वाड्रेटिक में आंसर आएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला है ये हमारा आंसर आ गया था, इसको सॉल्व करेंगे, देन वहाँ से आप दो रूट निकाल सकते हैं. एंड यहाँ पे देखिए x का एक रूट दे रखा है 2 प्लस रूट 3, बिकॉज इरेशनल रूट है तो ये भी आपके पास कंजुगेट पेयर में आता है, 2 माइनस रूट 3 इज सेकेंड रूट. दो रूट तो हमें यहाँ से मिल गए, दो हम जब इसको डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे तब मिल जाए. दिस सॉल्व द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 6 यानी कि 6 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, गिवन दैट वन रूट इज दिस.
देखिए मेथड इनका भी जैसे हमने लास्ट टू क्वेश्चन किए वैसे ही है, वहाँ पे हमें 4 डिग्री की क्वेश्चन गिवन थी, यहाँ पे हमें 6 डिग्री की क्वेश्चन गिवन है। एक रूट दे रखा था, एक रूट से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेट एक्स इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री। यहाँ से हमें एक फैक्टर निकालना होता है, यानी हमें रूट को कैंसिल जो यहाँ से रिमूव करना होता है, और रिमूव कैसे होगा, स्क्वायर करके। ओके, देन जो फैक्टर आएगा उसको हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमें जिसकी दो इक्वेशन मिल जाएंगी, एक यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो एक रूट गिवन है, 4 रूट तो यहीं से निकल जाएंगे, बिकॉज दीज आर 2 इरेशनल फैक्टर्स, और इरेशनल जो आपके पास रूट्स होते हैं वो रूट्स कंजुगेट पेयर में आते हैं। दैट मीन्स इसका फर्स्ट रूट हो गया जो इस गिवन है 2 प्लस रूट 3, सेकेंड रूट हो गया रूट 2 माइनस रूट 3, थर्ड रूट माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, एंड 4 रूट माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। तो 4 रूट तो हमें यहाँ से ही मिल जाते हैं। अब रहे 2 रूट, क्योंकि 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो टोटल देर आर 6 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड 4 रूट्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम फर्स्ट रूट। ओके, नाउ 2 रूट्स के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को इधर ले आइए, 2 रूट 6। अंडर रूट वाले टर्म हम राइट हैंड साइड पर करते हैं ताकि हम दोबारा स्क्वायर करें, उसको रिमूव कर सकें। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 रूट 6 का स्क्वायर। लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड जहाँ पे बोलूँगी वहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 25 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 इज 24। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, 24 का आप इधर ले आइए, +1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है, जो रूट से हमने बनाई यहाँ पे, ये इक्वेशन जो हमें गिवन है 6 डिग्री की इक्वेशन, इसका एक फैक्टर है, बिकॉज हमने सी के रूट से ही इक्वेशन डिराइव की है। नाउ हम वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट ले लीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट। फैक्टर का मतलब, अगर मैं इस इक्वेशन से 4 डिग्री की इक्वेशन से इसको डिवाइड करती हूँ, देन इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड आप खुद कर लेंगे, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, देन तो क्वेश्चन आएगा वो देखिए, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, बिकॉज 4 डिग्री की यहाँ से है जो डिवाइड कर रहे हैं, एंड ये 6 डिग्री की है, तो आंसर किस में आएगा, 2 डिग्री में, माइनस इसका जो क्वोशंट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसका क्वोशंट है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 4 रूट हम निकाल चुके हैं, 2 रूट आप यहां से निकाल सकते हो, ये आपके पास फैक्टर तो बनेंगे नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, माइनस माइनस इज अ प्लस, 4 डिवाइड बाय 2, देन एक्स इक्वल टू 4 प्लस माइनस इज अ 20, अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2, और 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, देन 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे, 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 रूट हमारे यहाँ से आ जाएंगे, तो 5वां रूट हो गया 2 प्लस रूट 5, एंड 6th रूट इज इट्स कंजुगेट, ऑब्वियसली वही है 2 माइनस रूट 5। ओके, इस तरह से हमने 6 रूट इसके निकाल लिए। ऐसे ही 8th जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको एक रूट गिवन है, रूट 2 प्लस आयटा, तो 4 रूट तो देखते ही यहाँ से बन गए। फर्स्ट रूट इज रूट 2 प्लस आयटा, सेकेंड रूट इज माइनस रूट 2 प्लस आयटा, थर्ड रूट इज रूट 2 माइनस आयटा, एंड 4th रूट माइनस रूट 2 माइनस आयटा। ओके, तो 4 रूट तो यहीं से आ जाएंगे, ये इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही साथ हैं। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2
प्लस आयटा स्क्वायर प्लस टू रूट टू आयटा, दिस इज माइनस वन, टू माइनस वन इज अ वन, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, माइनस वन हो जाएगा एंड टू रूट टू आयटा यहाँ पर रिमेनिंग। अगेन स्क्वायरिंग, फोर इंटू टू इज अ एट, आयटा स्क्वायर माइनस एट, एक्स फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी फिर से वही फैक्टर आ गया, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, टू डिग्री की इक्वेशन आएगी, उस वहाँ से जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग टू रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाइन्थ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ जो आज हमने एग्जांपल किया है, लास्ट एग्जांपल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट देखिए, इफ़ वन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, पांच क्वांटिटीज दे रखी है, वन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स दे रखे, देन हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन, देखिए अगर ये इसके रूट्स है देन वी कैन राइट x रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, गामा एंड डेल्टा, पांचों फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाती है, बिकॉज दीज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x रेज टू पावर फाइव माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, x माइनस वन से बोथ साइड डिवाइड किया था, जैसे ही आप यहाँ पे x माइनस वन से डिवाइड करेंगे एंड इधर भी x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक फैक्टर, बिकॉज सारे मल्टीप्लाई में है, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, फिर क्यूब पावर, फिर स्क्वायर x प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, रिमेनिंग फैक्टर गामा एंड डेल्टा। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू वन, वन प्लस वन, फोर थ्री टू वन एंड वन इक्वल टू एज इट इज, नाउ वन रेज टू पावर फोर इज अ वन, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन टोटल इज अ फाइव, राइट हैंड साइड पे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा। ओके, टेंथ क्वेश्चन इज, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ध्यान से देखना है अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन हमें प्रूव करना है ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, कि ए बी सी जो है वो इस इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, देन अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं देन ये इक्वेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि अगर पांच रूट दे रखे हैं इस इक्वेशन के, तो एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस वन को हम इनकी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, सी माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो नहीं, जो इसके रूट्स हैं उसकी फॉर्म में लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे बताते हैं, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, यानी कि अगर मैं तीनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी ये इक्वेशन आनी चाहिए, बिकॉज अल्फा बीटा गामा इसके रूट दे रखे हैं। ओके, माइनस क्यों लगाएं यहाँ पे, यहाँ पे है ए माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालती हूँ तो एक्स माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बी एंड यहाँ से एक्स माइनस सी, देन थ्री माइनस हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन माइनस इक्वल टू एक माइनस, यानी कि दो प्लस हो जाएंगे, वापस से माइनस आ जाएगा। नाउ अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो फैक्टर है इसको आप इधर उठा लाइए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, हमें यही क्वेश्चन बनानी है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, प्लस का हो जाएगा और यहाँ प्लस वन ऑलरेडी है, और इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, दिस क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। ओके, ये माइनस एडजस्ट कर दीजिए, इन फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं, माइनस को आप अगर अंदर लेके जाते हैं एक्स माइनस ए, इसका माइनस कॉमन लीजिए, इसका माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, क्लियर, देन आवर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। नाउ देखिए ये जो इक्वेशन आ रही है किसके इक्वल आ रही है,
तीन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई. ओके, देन इम्प्लाइज दैट ए बी एंड सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के इक्वल आ रही है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ रही है. तो इसको हम लिख सकते हैं एस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये इसके रूट्स हो जाएंगे. ठीक है, ना इसका जो सेकेंड पार्ट है वो एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं. एंड इलेवेंथ क्वेश्चन जो है वो हमने एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसमें राइट हैंड साइड पर कॉन्स्टेंट गिवन था, जो कि जब हमने माइनस किया सेकेंड थर्ड इक्वेशन को तो वो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, बट आप जब इसमें करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता देना. और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जब अभी तक जितने बच्चों के कमेंट आए हैं, यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम इकट्ठा होती है मैं उनकी एक वीडियो बना दूँगी लास्ट में. ओके, क्योंकि एक वीडियो में अलग अलग अगर वीडियो में मैं क्वेश्चन डालूँगी, प्रॉब्लम्स डालूँगी, तो वो सभी बच्चों को नहीं मिल पाएंगे. तो ओनली प्रॉब्लम्स थंबनेल बना के वहाँ पे मैं सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे. तो जिस बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं किसी भी एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा. मैं अभी तक की जितनी प्रॉब्लम बच्चों ने बताई मैं सभी नोट कर रही हूँ, उनकी एक लास्ट में एक वीडियो बना देंगे. या फिर आप टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. एट ए टाइम आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा. तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर से ज़रूर चेक करना. एंड आज हमारी यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.3. तब तक आप इसको ट्राई करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.